المراكد هو اليمن सुभग
भगवान वल्लभ नाम पूरन काम वल्लभ नाम पूरन काम नख शिख सुंदर सुभग स्वरूप को 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 निरखूं आठो यल्लभ नाम पूरन काम वल्लभ नाम पूरन काम देवी सृष्टि उद्धारण प्रगटे देवी सृष्टि उद्धारण प्रगटे देवी सृष्टि उद्धारण प्रगटे देवी सृष्टि उद्धारण प्रगटे निर्भय दीने दान वल्लभ नाम पूरन काम
श्री पुरुषोत्तम निज धाम में किसो चित्त विचार करुणा करी निज जीव पे आ भूतल द्विज यवतार गाम सुका करवार में विप्र शिरोमणि जानकी जगत करण तैलंग कुसुल राज के हम डाडियो ब्रज के हम डाडी जो ब्रज राज के हम डाडी हो ब्रज राज के हम परमानंदाय नमः परमानंदाय नमः परमानंदाय नमः बोलो श्री वल्लभाय। सभी आत्मीय प्रिय वैष्णवजन, अभी रंगारंग प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रंग तरंग था कि रंगारंग था, बहुत ही सुंदर परिपूर्ण हुआ श्री वल्लभ के सानिध्य में। सबने अपने भाव अनुसार जो जो उनको प्राप्त हुआ था उन्होंने वैष्णवों को प्राप्त करवाया। सबसे पहले तो विनती आई कि एक डांस का है, नृत्य का प्रोग्राम है, एक बालिका नृत्य करेगी। मुझे तो यूं हुआ कि भाई कोई आएगी छोटी बालिका। तो वही खूब आनंद हुआ, बहुत सुंदर। आगे भी गायकी का हुआ, नृत्य का भी सुशीला बहन ने लाभ लिया और हमारे दयाल दास जी ने पुष्टि का गणित भी समझा दिया। एक दो तीन चार श्री वल्लभ की जय जय। श्री वल्लभ जी सदा हमारे साथ, बस यही भाव प्रियजनों हम सबका बना रहे। पुष्टि में ना कोई वृद्ध है, ना कोई युवान, ना कोई पुरुष है, यहां हम सब जन गोपी भाव में। हमारे पुरुष हमारे ठाकुर हैं,
तो यही भाव हम सब के अंदर श्री वल्लभ की कृपा से प्रकट होना चाहिए। यात्रा जीव क्यों करता है? देखो शास्त्रों में जहां सत्कर्म की बात आती है तो सत्कर्म के साथ कई चीजें जुड़ जाती हैं और वो सत्कर्म में यात्रा भी एक भाग रूप है, कर्म है कि जीव सत्कर्म के लिए यात्रा करता है और सोचता है कि मैं सत्कर्म करूंगा तो मेरी सदगति होगी। ज्यादातर हम यात्रा, सत्कर्म, श्रीमद् भागवत, सत्संग, सेवा ये सब क्यों करते हैं? तो इसके पीछे ज्यादातर हमारा आशय प्रियजनों एक ही रहता है कि हम सब की सदगति हो। जीव आया है अपने कर्मवश और जीव जाएगा भी उसके कर्मवश, उसकी गति भी उसके कर्म पे आधीन है। ज्यादातर सत्कर्म का फल लोग सदगति मानते हैं। प्रियजनों सदगति से भी बढ़कर हम पुष्टि जीवों के लिए सदमति है। ध्यान से समझो, सदगति सरल है, सत्कर्म सरल है, लेकिन सदमति सदविचार कलयुग में बड़ा ही दुर्लभ है। हम सत्कर्म का फल सदगति मानते हैं कि हमारी अच्छी गति हो, लेकिन गति तो पुष्टि जीवों की जिस दिन आप इस मार्ग में आए, जिस दिन श्री वल्लभ की शरण आपने ली, ब्रह्म संबंध लिया, कंठी गले में दो डाली, मुख में चनामृत और मस्तक पे तिलक धारण जब से आपने किया है, तब से आपकी सदगति हो ही गई। इससे बड़ी सदगति हो ही नहीं सकती। अब आवश्यकता है सदमति की। तो हम ये सत्कर्म ज्यादातर, जैसे कि हम जो पुष्टि जीव हैं, हम जितने भी सत्कर्म करते हैं वो सदगति के लिए नहीं करते, लेकिन सदमति के लिए करते हैं कि हमारा जो मन है, देखो समाज में धनवान बहुत है, बलवान बहुत है, लक्ष्मीवान बहुत है, लेकिन मनवान कितने हैं? मन किसके पास है? और ठाकुर को तन नहीं चाहिए, ठाकुर को धन नहीं चाहिए, मेरे वल्लभ को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, उनको चाहिए केवल आपका विशुद्ध मन। शुद्ध भी नहीं लेकिन विशुद्ध मन। और जो हमारे पास वो विशुद्ध मन होगा तो हम श्री वल्लभ के प्रिय बनेंगे। श्री वल्लभ की प्रसन्नता प्राप्त करने का एक ही सरल रास्ता है प्रियजन, कि हम हमारी मति, हम हमारे मन को विशुद्ध करें, शुद्ध करें। जैसे कोई पात्र हो उसे हम जल से खासा कर लेते हैं, लेकिन उसे पवित्र करने के लिए अग्नि पे भी तपाया जाता है। जल से खासा स्वच्छ हो जाता है लेकिन पवित्रता के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है। तो यहां पुष्टि में अग्नि स्वरूप श्री वल्लभ और जल स्वरूप श्री यमुना जी, तो बैठक जी में देखो दोनों का लाभ मिल जाता है। कल ही सब अकोला मंडल के हम रात को बैठे थे तो कई वैष्णव कहते हैं, जीजा आपको कितने धक्के लगते हैं, चारी जन पास करवाते हो तो आपको कितने धक्के लगते हैं, कितना आपको श्रम। मैंने कहा मुझको तो आनंद आ रहा है, मुझे तो धक्के लगते ही नहीं है, क्योंकि एक बाजू यमुना जी है और एक बाजू श्री वल्लभ है। यहाँ से वैष्णव धक्का मारे तो सीधे यमुना जी के पास, वहां से धक्का मारे तो सीधे वल्लभ। मेरे तो दोनों हाथ में धक्के हैं, यहाँ झारी जी भरो, यहाँ चढ़ो स्पर्श करो, यहाँ झारी जी, यहाँ चढ़ो, सीधा यमुना जी के पास जा देते हैं, यमुना जी वहां से धक्का मारे तो सीधे वल्लभ। कितना सुंदर यह अवसर है। तो ये सदमति आज के समय में बड़े ही दुर्लभ है। हमारा मन जो है श्री वल्लभ में हो, यात्रा का मूल फल
प्रियजन वो यही है, हम श्री वल्लभ से क्या चाहते हैं कि हमारा मन सदा आपके युगल चरणारविंद में दृढ़ रहे। जैसे भक्त कवि कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पा, जैसे उड़े जहाज को पंखी उड़े उड़े जहाज पे आ, मेरो मन अनंत कहां सुख पा। पुष्टि जीवों का मन केवल वल्लभ के चरणारविंद में ही लगा रहना चाहिए। मन की एक ही गति है कि बस हमारा मन हमारे श्री वल्लभ के चरणारविंद में सदा लगा रहे। जैसे माला परोते हैं और सुई में जैसे एक के बाद एक फूल परोए जाते हैं और सुंदर माला सिद्ध होती है और फिर वो ठाकुर जी को सिद्ध करके धराते हैं, ऐसे ही हमारी मन रूपी माला, हमारे मन से जो असद भाव है उसको त्याग कर सद्भावना के साथ वो सुंदर माला जो सिद्ध होगी तो वो ठाकुर को पसंद आएगा। तो सदा हमारा मन श्री वल्लभ के चरणारविंद में लगा रहे। अब तो बहुत थोड़े दिन बाकी हैं, बहुत गई थोड़ी रही तो जैसे वो भी गई है ऐसे ये भी निकल जाए, लेकिन एक ही भाव रहे। जैसे अभी एक कोई वैष्णव ने गाया था कि पतंग आकाश में उड़ती है और डोर श्री वल्लभ के हाथ में रहनी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, हमारी पतंग कहीं भी, फिर कोई पतंग अकोला की अकोला निकल जाएगी, वर्धा की वर्धा निकल जाएगी, लंदन की लंदन निकल जाएगी, अमेरिका की अमेरिका, कनाडा की कनाडा निकल जाएगी, लेकिन पतंग कहीं भी उड़े लेकिन हम सबकी डोर श्री वल्लभ के हाथ में चौंक के जाए। यही विनती करनी है कि भाई हम आए थे आपके लिए और आपके ही बन के रहना चाहिए। तो हमारा मन सदा श्री वल्लभ में लगा रहे यही भाव के साथ। अब आगे आज कौन सा क्रम है दूसरा, अभी जो श्रवण किया होगा तो असुर